बॉलीवुड के किंग खान ने एक्टर अजय देवगन को उनकी 100वीं फिल्म के लिए बधाई दी है। शाहरुख खान ने अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर का पोस्टर शेयर करके ये बधाई उन्हें दी। ये पोस्टर अजय देवगन की सभी फिल्मों की छोटी छोटी तस्वीरों के कोलाज से बना है। पोस्टर के साथ शाहरुख ने लिखा, हियर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर 100 एंड मोर फिल्म्स फ्रॉम माय फ्रेंड अजय देवगन। ऑल द बेस्ट फॉर दिस माइलस्टोन फ्रॉम स्टेडिंग अटॉप टू मोटरसाइकिल एट द सेम टाइम। यू हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे, कीप राइडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर तानाजी। इतना ही नहीं, अजय की वाइफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने भी ट्विटर अकाउंट पर अजय के इस पोस्टर को शेयर किया। 30 इयर्स एंड 100 फिल्म सोल्ड, फ्रॉम फूल और कांटे टू जख्म टू गोलमाल टू शिवाय एंड नाउ फाइनली तानाजी। थ्रू ऑल द हार्ड वन फ्राइडेज आई हैव सीन यू गो थ्रू, ऑल कैरेक्टर्स लीड बैक टू यू, प्राउडली विशिंग यू अ वेरी हैप्पी 100th फिल्म बर्थडे अजय। अक्षय कुमार पिछले कुछ समय से फिल्म सूर्यवंशी को लेकर चर्चा में हैं। इस वक्त अक्षय कुमार फिल्म की शूटिंग में काफी बिजी हैं। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में जोरों पर चल रही है, लेकिन अब फिल्म के सेट से अक्षय कुमार से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल खबरें हैं, अक्षय कुमार सूर्यवंशी के सेट पर बुरी तरह से घायल हो गए थे। मुंबई में जब सूर्यवंशी फिल्म के इम्पोर्टेंट हिस्से की शूटिंग चल रही थी, तब अक्षय कुमार को गहरी चोट लगी थी, इसके बाद वो घायल हो गए। खबरों की माने तो शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार के उल्टे हाथ में मोच आ गई थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी और लगातार काम करते रहे। अक्षय कुमार को चोट लगने के बाद डॉक्टर ने उनके हाथ में फिजियोथेरेपिस्ट टेप लगा दी, जिसके बाद उन्होंने फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू की। आपको बता दें, सूर्यवंशी का डायरेक्शन रोहित शेट्टी कर रही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार जबरदस्त एक्शन स्टंट करते दिखाई देंगे। बॉलीवुड और हॉलीवुड कॉम्बिनेशन यानी पीसी और निक जोनस एक दूसरे को कितना एडमायर करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। दोनों का ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सोशल मीडिया पर भी अक्सर देखने को मिल ही जाता है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी एक सेल्फी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। पिक के साथ पीसी ने कैप्शन में लिखा, द वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। पीसी के इस पिक को एक तरफ जहां फैंस का काफी प्यार मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हबी निक जोनस ने भी पिक पर प्यार बरसाते हुए प्रियंका की तारीफ की और लिखा, सो ब्यूटिफुल। वेल, बहुत जल्द ये कपल अपनी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा, जिसकी पल पल की अपडेट हम आपको बॉलीवुड 2020 में जरूर देंगे। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और शाहरुख खान की एक वीडियो इन दोनों के चाहने वाले खूब पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें, वायरल हो रहे इस वीडियो को राजकुमार राव ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इसको पोस्ट करने के साथ साथ राजकुमार राव लिखते हैं, बचपन से ही मैं शाहरुख खान के डायलॉग्स बोलते हुए बड़ा हुआ, अब जब खुद शाहरुख खान आपका डायलॉग बोले तो ये पूरा एहसास बहुत अच्छा है। राजकुमार राव के पोस्ट किए गए इस वीडियो में शाहरुख खान स्त्री का डायलॉग विकी प्लीज बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार राव अपनी बात कहते हुए आगे लिखते हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपसे इंस्पायर होता हूँ। बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत की अगली फिल्म थलाइवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस बात की इन्फॉर्मेशन कंगना की ऑफिशियल टीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी है। अपनी इस फिल्म का ऐलान करते हुए कंगना रनौत की टीम ने फिल्म के सेट से एक फोटो शेयर की है। मणिकर्णिका और जजमेंटल है क्या के बाद अब कंगना इस फिल्म में दिखाई देंगी। खास बात यह है कि इस फिल्म में वो तमिलनाडु की एक्स चीफ मिनिस्टर और दिग्गज अदाकारा जयललिता के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म को लेकर काफी दिनों से विवाद भी चल रहा था। कंगना अपनी इस फिल्म के लिए जमकर मेहनत कर रही है और वो इसके लिए क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ले रही है। आलिया भट्ट काफी वक्त से लॉस एंजल्स में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। वेकेशन की कई पिक्चर्स को हमने आपको बॉलीवुड 2020 में दिखाया है। हाल ही में आलिया अपने इस मिनी वेकेशन से मुंबई वापस लौट आई हैं। आलिया को हमने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया। इस दौरान आलिया को हमने ब्लैक टी शर्ट, मैचिंग जेगिंग्स और कलर्ड ओवरकोट के साथ कैप्चर किया। वेल, आलिया वेकेशन से तो मुंबई वापस लौट चुकी है, लेकिन उनकी वेकेशन की कुछ पिक्चर्स अभी भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हाल ही में आलिया की एक पिक उनके ट्विन फैन के साथ इंटरनेट पर वायरल हो रही है। बीते 2-3 दिन से लगातार जानवी कपूर, कार्तिक आर्यन और लक्ष्य स्टारर फिल्म दोस्ताना 2 को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। अब कार्तिक आर्यन ने लेटेस्ट फोटो शेयर कर इस बात का ऐलान कर दिया कि इस फिल्म की शूटिंग फाइनली शुरू हो चुकी है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले ही जानवी कपूर ने अमृतसर पहुंचकर गोल्डन टेम्पल में माथा टेका था। अब कार्तिक आर्यन की लेटेस्ट फोटो ने फैंस को खुश कर दिया है। जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म दोस्ताना के इस सीक्वल को लेकर लोगों में पहले से ही काफी क्रेज है। अब इस फिल्म की शुरुआत हो चुकी है। इस फिल्म में पहली बार कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर की जोड़ी साथ नजर आएगी।
बोनी कपूर के बर्थडे पर जानवी ने उनके साथ कई पिक्चर्स शेयर की हैं। इन फोटोज में बोनी कपूर अपने सभी बच्चों के साथ नजर आ रही हैं। जानवी ने फोटोज को शेयर करते हुए एक इमोशनल मैसेज लिखा। जानवी ने लिखा, हैप्पी बर्थडे पापा, आप हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मुझे एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो मुझे एनर्जी आप ही से मिलती है। आपको जागते हुए देखना और हर दिन आपको वो करते हुए देखना जिससे आप प्यार करते हैं, आप गिरते हुए लेकिन फिर और भी मजबूती के साथ उठते हैं उसको देखना, आपको टूटते हुए देखते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर आप हमें और बाकी सभी को ताकत देते हैं। आप सबसे अच्छे इंसान हैं, आप ही मुझे इंस्पायर करते हैं। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और सभी कलाकार जोर शोर के साथ इसकी शूटिंग पूरी करने में लगे हुए हैं। खबरों की माने तो स्केड्यूल के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अगले साल मार्च तक खत्म हो जाएगी। फिल्म में नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश भी हैं और इसकी कहानी फुटबॉल से जुड़ी हिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमने वाली है। कुछ महीनों पहले ही अजय देवगन ने इस फिल्म के पहले लुक को रिवील किया था और अब फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है। खबरों की माने तो ये फिल्म 27 नवंबर 2020 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सैफ अली खान के करियर में पिछले कुछ दिनों से काफी उतार चढ़ाव आए हैं। लास्ट रिलीज हुई उनकी फिल्म लाल कप्तान में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म नहीं चल पाई। वहीं अगर करीना की बात करें तो उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही हैं। वहीं हाल ही में जब एक इंटरव्यू के दौरान सैफ से सवाल किया गया कि क्या उन्हें करीना की सक्सेस से जलन होती है तो सैफ ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हम इन सब बातों से अलग काफी ज्यादा रियलिस्टिक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा सोचा नहीं जा सकता लेकिन हम इस तरह की बातें नहीं सोचते। बहुत सी चीजें बदल गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक अच्छा कर रहा है तो वहीं कभी कभी दोनों ही अच्छा काम कर रहे होते हैं। सैफ ने आगे कहा, मेरी लाइफ में सक्सेस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कोई वास्ता नहीं है। सक्सेस से मेरा बस मतलब यही है कि पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक है या नहीं। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी फिल्म कमांडो 3 को लेकर काफी लाइमलाइट बटोर रहे हैं। इसी बीच विद्युत ने अपने फैंस को सोशल मैसेज दिया है। एक वीडियो शेयर कर विद्युत ने हर देशवासी को एकता का पाठ पढ़ाया है। आपको बता दें, अयोध्या वर्डिक्ट के दौरान सेलेब्स ने अपने फैंस से शांति बनाए रखने की अपील भी की थी और इसी कड़ी में कमांडो की टीम के साथ विद्युत ने वीडियो शेयर कर सभी को एक रहने की ताकत समझाई है। फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर कई तरह की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। कभी फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर फिल्म सुर्खियों का हिस्सा बन जाती है तो कभी फिल्म पर काम न होने की खबरें आती हैं। लेकिन फाइनली अब इस खबर पर बोनी कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी हां, दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने इस बात का खुलासा किया कि नो एंट्री 2 जल्द ही बनाई जाएगी। बोनी कपूर ने कहा, मुझे नहीं पता फिल्म कब शुरू होगी लेकिन मैंने और अनीस बज्मी ने फिल्म के स्क्रिप्ट का काम क्रैक कर लिया है। बोनी ने बताया कि ये फिल्म पहले पार्ट से 10 गुना ज्यादा मजेदार होने वाली है। फिल्म आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। मैं इस फिल्म के सीक्वल के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये फिल्म मेरे लिए काफी स्पेशल है। विद्या बालन अपनी फिल्म शकुंतला देवी की बायोपिक को लेकर चर्चा में है। विद्या अपनी अपकमिंग फिल्म शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर में नजर आएंगी। फिल्म के पोस्टर्स पहले ही आउट हो चुके हैं जिसकी झलक हमने आपको दिखाई थी। वहीं इस फिल्म में विद्या की बेटी के रोल में सानिया मल्होत्रा नजर आएंगी। अब लीजिए, इस फिल्म में एक नए एक्टर की एंट्री हुई है। खबरों की माने तो इस फिल्म में विद्या और सानिया के अलावा एक्टर अमित साद भी नजर आएंगे। शकुंतला देवी की बायोपिक में अमित विद्या बालन के दामाद के रोल में नजर आएंगे। मतलब ये कि फिल्म में अमित सानिया मल्होत्रा के ऑपोजिट दिखेंगे। फिल्म में अमित अजय का रोल प्ले करते दिखेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म को लेकर अमित साध ने कहा कि जब उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तब उन्हें शकुंतला देवी के बारे में काफी कुछ पता चला। अमित इस फिल्म से जुड़कर काफी खुश हैं और उम्मीद करते हैं दर्शकों को उनका अजय वाला किरदार पसंद आएगा। नब्बे के दशक में एल्बम की दुनिया में क्रांति लाने वाली मशहूर सिंगर फाल्गुनी पाठक का गाना चूड़ी जोखन के हाथों में आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। एक बार फिर से फाल्गुनी पाठक का याद पिया की आने लगी सॉन्ग आपका दिल धड़काने आ रहा है। खास बात यह है कि याद पिया की आने लगी सॉन्ग रीमेक में एक्ट्रेस दिव्या खोसला नजर आएंगी जो कि 16 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। दरअसल फाल्गुनी पाठक का मशहूर सॉन्ग याद पिया की आने लगी का रीमेक वर्जन जल्द ही रिलीज होने वाला है। याद पिया की आने लगी सॉन्ग को दोबारा लेकर आ रही है दिव्या खोसला कुमार। इतना ही नहीं, दिव्या का फर्स्ट लुक पोस्टर भी सामने आ चुका है। इस गाने के फर्स्ट लुक पोस्टर में दिव्या खोसला का बेहद ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है। इसके साथ सेट से भी दिव्या की कई पिक्चर्स सामने आई हैं जिसे हम आपको बॉलीवुड 2020 में दिखा रहे हैं।
बॉलीवुड फिल्म मेकर अश्विनी अय्यर तिवारी अपनी अपकमिंग फिल्म पंगा को लेकर काफी बिजी चल रही हैं, जो एक कबड्डी खिलाड़ी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म अपनी शुरुआत से ही सुर्खियों में छाई हुई है। इस फिल्म में कंगना रनौत, ऋचा चड्ढा, जस्सी गिल और नीना गुप्ता जैसे स्टार साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में अश्विनी अय्यर तिवारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पंगा के सेट से कुछ पिक्चर्स शेयर की। हालांकि ये पिक्स पुरानी है, जिसमें अश्विनी कंगना को कुछ समझाती दिख रही है। पिक्स को शेयर करते हुए अश्विनी ने कैप्शन में लिखा, वन ईयर अगो स्टार्टेड शूटिंग पंगा ऑन अ विंटर मॉर्निंग इन अ क्वाइट लेन ऑफ रस्टिंग भोपाल, 24 जनवरी 2020, ईगरली वेटिंग टू शेयर विद यू दिस इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ अ ह्यूमन एंड फनी एनेक्डोट्स। सुष्मिता सेन अपनी बेटियों से कितना प्यार करती हैं ये तो हम सब जानते हैं। वो आए दिन अपनी बेटियों के साथ अपनी वीडियोस और फोटोज शेयर करती रहती हैं। हाल ही में सुष्मिता ने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सुष्मिता काफी इमोशनल हो गई। दरअसल उनकी बेटी अलीशा को स्कूल से एक असाइनमेंट मिला था, जिसमें उन्हें अपने दिल के करीब किसी टॉपिक पर लिखना था। तो इस असाइनमेंट में अलीशा ने अडॉप्शन के टॉपिक पर ऐसे लिखा। इस वीडियो में अलीशा अपने इस टॉपिक को पढ़ती हुई दिख रही हैं। सो आई बेसिकली माय टॉपिक वाज अडॉप्टिंग अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फनेज। आई बिलीव दैट यू शुड अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फनेज सिंस यू विल हैव हैप्पीनेस इन योर फैमिली। आफ्टर ऑल अ चाइल्ड मस्ट हैव द राइट टू लिव। You might be thinking that adopting a child means more responsibility than a biological one. But no, you're wrong. Both types are the same. And secondly, there shouldn't even be a differentiation. When you adopt, you give life to someone. अलीशा के रीड करने पर सुष्मिता काफी इमोशनल हो गई और इस वीडियो को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इतना ही नहीं, वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में उन्होंने अपने जज्बात जाहिर किए। बॉलीवुड स्टार्स की हर एक्टिविटी पर रहती है हमारी नजर और स्टार्स की इसी एक्टिविटी को हम आप तक लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं और बताते हैं आपके फेवरेट स्टार्स को हमने कहां कहां कैप्चर किया। सबसे पहले हमने कृतिक हरबंदा और पुलकित सम्राट को मलाड के इन्फिनिटी मॉल में एक स्टोर लॉन्च में स्पॉट किया। दोनों इस दौरान एक दूसरे की कंपनी को काफी इंजॉय करते नजर आए। इसके बाद हमने अनन्या पांडे और शनाया कपूर को डिनर डेट पर स्पॉट किया। ऋतिक रोशन को हमने पूरी फैमिली के साथ पश्मीना रोशन के बर्थडे सेलिब्रेशन में कैप्चर किया। शाहिद कपूर को हमने एंटी ग्रेविटी जिम के बाहर लुक में कैप्चर किया। शिल्पा शेट्टी को हमने पूरी फैमिली के साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया। फुटबॉल ग्राउंड में भी हमने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फुटबॉल खेलते कैप्चर किया। हार्दिक पांड्या को हमने बैंड्रा में स्पॉट किया। वहीं तमन्ना भाटिया को हमने एक इवेंट में कैप्चर किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोनल चौहान को भी हमने जुहू के बेरूट में कैप्चर किया।